अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव अजय प्रताप सिंह जनपद अलीगढ़ के छर्रा स्थित गंगेरी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगेरी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम प्रधानों को संबोधित किया। हर आदमी हम लोगों को गंदा करने में लगा हुआ, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मीडिया हो, कोई भी। तो संगठन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम लोग अगर एक मंच पे आ जाए, 59,163 ग्राम प्रधान है पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर 59,163 लोग एक मंच पे एक साथ आ जाते हैं तो ऐसी कोई सरकार नहीं है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आप बात को मानने से इनकार करें। बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में गांव का मुखिया होने के बावजूद भी ग्राम प्रधान आज ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। आज के समय में ग्राम प्रधान इतनी यातनाएं झेल रहे हैं कि उसका अंदाजा लगा पाना भी शायद संभव ही नहीं है। गांव का प्रमुख होने के बावजूद भी ग्राम प्रधान को उसके हकों के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। सरकार गाँव तक अपना वोट बैंक साधने के लिए तो लगातार पहुँचती रहती है, मगर उस गाँव के प्रधानों के हकों की सुनवाई करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नजर ही नहीं आता। प्रधान भाइयों की इसी लड़ाई में साथ देने के लिए प्रदेश सचिव अजय प्रताप सिंह ने बैठक में सभी प्रधान भाइयों को संबोधित किया, साथ ही संगठन की मजबूती के लिए प्रधान साथियों से मंच पर एक साथ आने की अपील भी की। इस मौके पर प्रधानों ने भी अपनी समस्याओं के बारे में प्रदेश सचिव से बात की। इस बैठक में गंगेरी ब्लॉक के सभी प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष भारी संख्या में मौजूद रहे। पिछली बार जब लक्ष्मण मेला मैदान में हमारा प्रदर्शन हुआ था लखनऊ में, तो अखिलेश यादव की सरकार ने पूरी कोशिश करी थी कि इनका ये कार्यक्रम यहाँ ना हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था, जितेंद्र चौधरी जी ने, कार्यक्रम तो मैं करके जाऊँगा पर ना तो मुझे गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करने की उनकी हिम्मत यूँ नहीं हुई कि उस समय लगभग 50,000 से ऊपर आदमी हुआ उनके पीछे खड़ा था, बोले गिरफ्तार करा तो और बवाल हो जाए। उस समय हमारी दो ही मांगें मानी गई, एक तो 2500 से 3500 रुपये को भी कहकर तो ज़्यादा कह दिए बढ़ाई ले लिया जाए, हमारी मांग थी कि कम से कम 10,000 रुपये प्रधान का तनखा हो, तो उसमें 1,000 बढ़ाए और पहले 50,000 रुपये तक का काम हम लोग करवाते थे और उस संगठन के माध्यम से, उस कार्यक्रम के माध्यम से उसकी अब लिमिट बढ़ के 2,00,000 हो। इसके अलावा हमारी बहुत सारी अभी मांगे बची हुई, जैसे 73वां संविधान संशोधन को माननीय कल्याण सिंह जी के समय में 1992 में, तो ग्राम प्रधानों को 29 अधिकार दिए गए थे, उन 29 अधिकारों में से आज 2 अधिकार भी हम लोगों के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है, हर नेता जानता है। इस हालत को बयान करने के लिए हम किसी से कह नहीं सकते थे, हम किससे भी कह रहे हैं कोई आदमी हमें गंदा कर रहा था। मीडिया के लोग भी अगर यहाँ मेरी बात को सुनने हम दाएं बाएं बुरा ना माने, मैं भी 14 साल मीडिया में काम कर चुका हूँ और कई चैनलों में और कई अखबारों में काम करा, सम्माननीय जगहों पर काम किया मैंने, लेकिन 3 बार तो मेरे नाना प्रधान रहे थे। कैटोरा गाँव पड़ता है, ये आदरस में आदमी ब्लॉक है, उसके बाद 1 बार मेरी मम्मी प्रधान रही और इस समय मेरे ताऊ मौजूदा प्रधान। इस बार हमने ताऊ को खड़ा करा, तो हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो ताऊ को सम्मान देना था। तो ग्राम पंचायतों की हालत मुझसे तो छुपी हुई है नहीं, शुरू से लेकर आज तक जितनी प्रधानी हम लोगों के परिवारों में रही, मैं तो इसी नतीजे में पहुंचा कि सबसे ज्यादा गंदा करने का काम जो होता है वो प्रधान को गंदा करता है, ताकि गांव का आदमी आगे बढ़कर विधायक ना बन जाए, सांसद ना बन जाए। पंचायत घर तक दे नहीं पा रहे हो और पब्लिक से कह रहे हो कि प्रधान को तो बहुत सारा पैसा दे दिया, जो कार्य योजना है उसे दिखा रहे हो कि ये काम तो करवा दिए। अब आदमी नेट पर कोई भी चला लेता, एंड्रॉइड मोबाइल लिया उसने, नेट पर देखा अपना ग्राम पंचायत डाली उसमें तो है, तो आगे का वो कार्य योजना अब उसके दिमाग में आ गई कर रहे हैं कि आप 2 करोड़ रुपये तो प्रधान की कमा रहे हैं, तो निकाले खा गया जबकि उस पैसे का आने का भी कोई ठोस ठिकाना है।